एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा, एक्सेस मॉडिफायर हम लोग उसको बोलते हैं जो जनरली किसी भी क्लास के मेंबर्स को दूसरे क्लास में एक्सेस करने की परमिशन देता है, या फिर हम लोग को दूसरे क्लासेस में उस मेंबर्स को एक्सेस करने से रोकता है। एक प्रकार का मान के चलिए ये एक प्रोटेक्शन होता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है किसी भी डेटा को। यहाँ पे जो सिक्योरिटी हम लोग देखते हैं, या फिर कोई भी एप्लीकेशन जब हम लोग बनाते हैं, या फिर कोई भी प्रोग्राम जब हम लोग बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट डेटा होते हैं। उस डेटा को हम लोग को सिक्योर करना होता है, ताकि कोई अननेसेसरी उसको एक्सेस ना करे और उसकी वैल्यूज को चेंज ना कर दे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स अप्लाई करते हैं। तो एक्सेस मॉडिफायर हम लोग क्लास में अप्लाई कर सकते हैं, वेरिएबल्स पे अप्लाई कर सकते हैं, और फंक्शंस पे अप्लाई कर सकते हैं। तीनों में हम लोग कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर एक्चुअल में है क्या। द एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा स्पेसिफाइज द एक्सेसिबिलिटी और स्कोप ऑफ फील्ड, मेथड, कंस्ट्रक्टर और क्लास। वी कैन चेंज द एक्सेस लेवल ऑफ फील्ड्स, कंस्ट्रक्टर, मेथड्स एंड क्लास बाय अप्लाइंग द एक्सेस मॉडिफायर ऑन इट। ठीक है, तो जावा जो है स्पेसिफाई करता है एक्सेसिबिलिटी और स्कोप, किस किस की, फील्ड की, मेथड की, कंस्ट्रक्टर्स के और क्लास के। ठीक है, सभी के एक्सेसिबिलिटी को स्पेसिफाई करेगा, मतलब बताएगा कि कहाँ कहाँ वो एक्सेस कर सकता है, मतलब उसका स्कोप कहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फोर टाइप्स के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है प्राइवेट। द एक्सेस लेवल ऑफ प्राइवेट मॉडिफायर इज ओनली विद इन द क्लास, इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। अगर हम किसी भी वेरिएबल को या मेथड को या कंस्ट्रक्टर को या किसी क्लास को, ठीक है, क्लास को हम लोग प्राइवेट नहीं बना सकते हैं ताकि हम लोग उसको एक्सेस कर सकें। मीन्स अगर हम लोग किसी भी क्लास के मेंबर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर प्राइवेटली डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग उस क्लास के मेंबर्स को हम लोग दूसरे क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब वो उसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास के लिए रहेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी मेंबर को प्राइवेट बनाते हैं, तो उसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास में रहेगा। विद इन द क्लास वो एक्सेस किया जा सकता है, आउटसाइड द क्लास वो एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो ये था प्राइवेट मॉडिफायर। सेकंड आता है डिफॉल्ट मॉडिफायर। द एक्सेस लेवल ऑफ डिफॉल्ट मॉडिफायर इज ओनली विद इन द पैकेज, इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। तो यहाँ पे अगर हम लोग किसी भी क्लास को, मेथड को, या वेरिएबल को, या कंस्ट्रक्टर को, या फिर कोई ऐसा फील्ड हम लोग बना रहे हैं जिसको हम लोग ने डिफॉल्ट डिक्लेयर किया है, वो विद इन द पैकेज किसी भी क्लासेस में एक्सेसिबल होगा। ठीक है, एक पैकेज के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को रख सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन विद इन द पैकेज, आउटसाइड द पैकेज वो एक्सेसिबल नहीं होगा। अगर हम लोग आउटसाइड आउटसाइड द पैकेज अगर हम लोग इसको यूज करना चाहते हैं, तो हम लोग को इम्पोर्ट के साथ वहां पे यूज करना होगा। तो ये था डिफॉल्ट मॉडिफायर। अब थर्ड आता है प्रोटेक्टेड मॉडिफायर। द एक्सेस लेवल ऑफ ए प्रोटेक्टेड मॉडिफायर इज विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज थ्रू चाइल्ड क्लास। इफ यू डू नॉट मेक द चाइल्ड क्लास, इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड द पैकेज। अगर हम लोग किसी भी क्लास के मेंबर्स को अगर हम लोग प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करते हैं, तो सबसे फर्स्ट कंडीशन होता है कि वहां पे हम लोग को पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रखना होगा। मीन्स प्रोटेक्टेड, अगर हम लोग मान के चलिए क्लास ए को बना देते हैं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, अगर हमने एक क्लास को बनाया,
मैंने क्लास ए बनाया, ठीक है, इसमें मान के चलिए मैंने, ठीक है, मैं अभी सिंटेक्स फॉलो नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैंने इंट ए मैंने बनाया और इसको बना दिया प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो ये क्लास ए जो है उसके अंदर प्रोटेक्टेड मेंबर है इंट ए, ठीक है। मैंने एक और क्लास बनाया क्लास बी, ठीक है, क्लास बी मैंने बनाया, ठीक है। अब इस क्लास बी में मान के चलिए कि क्लास बी और क्लास ए दोनों अलग अलग पैकेज में है, दोनों अलग अलग पैकेज में है, डिफरेंट डिफरेंट पैकेज में, ठीक है। अगर मुझे इस क्लास के इस प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करना है इस क्लास बी में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बी में ए को एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंड्स ए। अगर मान के चलिए ये क्लास ए जो है पैकेज पैक के अंदर में है, पैकेज पैक के अंदर में बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा पैक डॉट ए, मतलब यहाँ पे हम लोग को उसका पूरा 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 का पूरा पैकेज नेम डॉट क्लास नेम हम लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी वो एक्सेस कर पाएगा। अब यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड हमने डेटा मेंबर बनाया वो इसके अंदर एक्सेसिबल होगा क्लास बी के अंदर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक लेवल तक, सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल तक, ठीक है। और प्रोटेक्टेड को एक्सेस करने के लिए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना चाहिए, वो विद इन द क्लास भी एक्सेस हो सकता है और अपने इमीडिएट चाइल्ड क्लास में ही एक्सेस हो सकता है। अगर मैं इस क्लास बी को फर्दर एक्सटेंड करता हूँ, मैं क्लास सी बनाता हूँ और वहां पे उसको एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, एक्सटेंड्स बी, अब ये आ गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में, तब ये प्रोटेक्टेड जो है वो सी में एक्सेस नहीं किया जा सकता, सी में एक्सेस नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल तक वो एक्सेस किया जा सकेगा, मीन्स क्लास ए में एक्सेस किया जा सकेगा और क्लास बी में एक्सेस किया जा सकेगा, क्लास सी में एक्सेस नहीं हो पाएगा। वो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्लास बी को एक्सटेंड के लिए बी में एक्सेस हो रहा है, लेकिन प्रोटेक्टेड का मतलब यही होता है कि वो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस पे ही काम करता है, वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पे काम नहीं करेगा। अगर हम लोग किसी दूसरे पैकेज के क्लास को हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं और उसके अंदर कोई भी एक प्रोटेक्टेड मेंबर है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग सिंगल लेवल इनहेरिटेंस तक ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था प्रोटेक्टेड, फोर्थ आता है यहाँ पे पब्लिक मॉडिफायर, द एक्सेस लेवल ऑफ ए पब्लिक मॉडिफायर इज एवरीवेयर, इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, विद इन द पैकेज, आउटसाइड द पैकेज। अगर हम लोग किसी भी क्लास को, वेरिएबल को, या मेथड को, या कंस्ट्रक्टर को, ठीक है, या किसी भी फील्ड को अगर हम लोग पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं, आउटसाइड द पैकेज, इनसाइड द पैकेज, ठीक है, विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, कहीं पे भी हम लोग किसी भी प्रकार से उसको यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी एक्सेसिबल वो होगा, हर जगह एक्सेसिबल होगा, जहाँ पे भी हम लोग उसको एक्सेस करना चाहते हैं हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा फोर टाइप्स के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, प्राइवेट जिसमें हम लोग विद इन द क्लास अपने डेटा मेंबर्स को यूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट में क्या होगा, विद इन द पैकेज हम लोग यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड में क्या होगा, सिंगल इनहेरिटेंस में ही हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम लोग आउटसाइड द पैकेज के किसी भी क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं, तो पहले हमें उसे इनहेरिट करना होगा, इनहेरिट करके उसको चाइल्ड बनाना पड़ेगा, देन उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिंगल लेवल तक ही वो एक्सेस हो पाएगा, मल्टी लेवल अगर इनहेरिटेंस हम लोग करेंगे तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा। फोर्थ आता है पब्लिक मॉडिफायर, पब्लिक मॉडिफायर जिसमें हम लोग अपने डेटा मेंबर्स को, क्लासेस को, मेथड्स को, या किसी फील्ड्स को हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं, जहां पे हम लोग उसको एक्सेस करना चाहते हैं हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का एक्सेस मॉडिफायर, ठीक
है, मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया और इस क्लास में मैंने एक इंट एक्स नाम से एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। मैंने इसको बनाया प्रोटेक्टेड, ठीक है, क्या बनाया इसको, प्रोटेक्टेड बना दिया, ठीक है। अब मैंने एक और क्लास बनाया, क्लास बी, ठीक है, इसमें एक्सटेंड कर दिया ए को, ठीक है। अब ये जो प्रोटेक्टेड इंट एक्स है ये यहाँ पे एक्सेस हो सकता है क्योंकि हमने उसको इनहेरिट कर दिया, ठीक है। अगर ये प्राइवेट होता तो वो एक्सेस नहीं कर सकता था, ठीक है, अगर मैंने इसको प्राइवेट डिक्लेयर किया होता, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ क्लास ए में ही वो एक्सेस किया जा सकता था। अभी अगर हमने इसको प्रोटेक्टेड बना दिया है तो वो क्या होगा, क्लास बी में भी एक्सेस होगा क्योंकि हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है, मींस एक्सटेंड करना मींस इनहेरिट कर दिया है। तो अभी ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में काम कर रहा है, ठीक है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं फर्दर इसको और एक क्लास बनाता हूँ, क्लास सी, एक्सटेंड एक्सटेंड करता हूँ बी, ठीक है, अब यहाँ पे मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ क्लास सी में, क्लास सी में अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर सिर्फ और सिर्फ एक लेवल तक ही एक्सेस हो पाएगा। क्लास ए में डिक्लेयर है, अगर क्लास ए जो है बी में एक्सटेंड किया जा रहा है, मीन्स वहाँ इनहेरिट किया जा रहा है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यहीं तक वो एक्सेस होगा, ठीक है। अगर हम लोग उसको फर्दर सी में भी एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड की प्रॉपर्टी यही होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस पे ही वो काम करता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वो काम नहीं करेगा, ठीक है। हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ एक लेवल तक ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए कि क्लास ए जो है वो पैकेज, ठीक है, पैकेज पैक वन के अंदर में, ठीक है, क्लास ए जो है पैकेज पैक वन के अंदर में, और क्लास बी जो है वो पैकेज पैक टू के अंदर में, ठीक है, पैकेज पैक टू के अंदर में। अब हमने इस क्लास ए को क्या किया, इनहेरिट कर दिया क्लास बी में, ठीक है, दोनों अलग अलग पैकेज में, क्लास ए जो है पैक वन में है और ये पैक टू में। तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा पैक वन डॉट ए, तभी हम लोग उसका एक्सटेंड मतलब इनहेरिट कर पाएंगे। जो हमने कल लास्ट क्लास में पैकेज पढ़ा था तो इसी प्रकार से ही हम लोग उसका एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो पैक वन डॉट ए हम लोग ने यहाँ पे किया तो एक लेवल तक ये एक्सेस हो पाएगा, ठीक है, ये जो है ये एक लेवल तक एक्सेस हो पा रहा है, ठीक है। अगर फर्दर मैं उसको इनहेरिट करता हूँ तो एक्सेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आउटसाइड द पैकेज भी हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सिंगल लेवल इनहेरिटेंस तक। और सिर्फ एकमात्र तरीका है कि हम लोग उसको इनहेरिटेंस से ही एक्सेस करें। अगर हम लोग आउटसाइड द पैकेज एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग को सबसे पहले उसको इनहेरिट करना पड़ेगा, तभी हम लोग उस प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड नहीं करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ एक्सटेंड, ठीक है, अब मैं कैसे इसको एक्सेस करूंगा, ठीक है। एक तरीका है कि मैं यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ पैक वन डॉट ए इक्वल टू न्यू, ठीक है, पैक वन डॉट ए, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ए वन ऑब्जेक्ट दे देते हैं और यहाँ पे ए वन डॉट एक्स करके, ए वन डॉट एक्स हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस केस में भी वो एक्सेस नहीं होगा, ये एरर थ्रो करेगा। एरर क्यों थ्रो करेगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है प्रोटेक्टेड की, अगर हम लोग आउटसाइड द पैकेज यूज कर रहे हैं, आउटसाइड द पैकेज उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो सबसे पहला कंडीशन होता है कि वो इनहेरिटेंस में होना चाहिए, मीन्स पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना चाहिए। तो हम लोग को सबसे पहले इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा,
हम लोग इसको करेंगे एक्सटेंड ए, ठीक है। ए किस पैकेज के अंदर है, पैक वन डॉट, ठीक है, पैकेज वन के अंदर में, ठीक है, हम लोग इसको एक्सेस करेंगे। इन दैट केस यहाँ पे हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो दो चीजें हैं आउटसाइड द पैकेज होने के लिए, इनहेरिटेंस होना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में ही वो काम करेगा, ठीक है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस तक ही वो एक्सेस किया जा सकेगा। तो ये दो मेन हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रोटेक्टेड को लेके। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस मॉडिफायर विद इन द क्लास, विद इन द पैकेज, आउटसाइड पैकेज बाय सब क्लास ओनली, आउटसाइड पैकेज, ठीक है। यहाँ पे फोर कैटेगराइज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्राइवेट में। प्राइवेट मेंबर जो है वो विद इन द क्लास एक्सेसिबल होगा, ठीक है, विद इन द पैकेज एक्सेसिबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्लास में ही एक्सेसिबल होगा। तो विद इन द पैकेज में आएगा नो, आउटसाइड द पैकेज आएगा नो, आउटसाइड द पैकेज आएगा नो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिबल कहाँ होगा, विद इन द क्लास एक्सेसिबल होगा। सेकेंड आते हैं डिफॉल्ट में। डिफॉल्ट जो एक्सेस मॉडिफायर है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ कहाँ एक्सेस होगा, विद इन द क्लास और विद इन द पैकेज। प्रोटेक्टेड मेंबर कहाँ कहाँ पे होगा, विद इन द क्लास में, विद इन द पैकेज में और आउटसाइड पैकेज बाय सब क्लास ओनली, ठीक है। आउटसाइड पैकेज में एक्सेसिबल होगा लेकिन सब क्लास में, सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस जब हम लोग यूज करेंगे तभी हम लोग उसका एक्सेस कर सकते हैं। और लास्ट आता है पब्लिक। पब्लिक जो है सभी जगह एक्सेसिबल होता है, विद इन द क्लास, विद इन द पैकेज, आउटसाइड पैकेज बाय सब क्लास ओनली एंड आउटसाइड पैकेज, सभी जगह एक्सेसिबल होगा। ओके, प्राइवेट मॉडिफायर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लास ए बना लिए। क्लास ए में हम लोग एक डेटा नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको इनिशियलाइज कर दिए 40 से। अब उस डेटा नाम के मेंबर को हमने क्या किया है, प्राइवेट डिक्लेयर किया है। क्या डिक्लेयर किया है, प्राइवेट डिक्लेयर किया है। देन उसके बाद एक और हमने प्राइवेट मेथड डिक्लेयर किया, वॉइड मैसेज, और वहां पे हेलो जावा हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। देन उसके बाद ये क्लास हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरा क्लास ले रहे हैं, क्लास सिंपल हम लोग ले रहे हैं, उसके अंदर मेन मेथड हमने बनाया। देन उसके बाद इस क्लास ए का हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, ए ओबीजे इक्वल टू न्यू ए, ठीक है। हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट हम लोग बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकेंड चीज, यहाँ पे हम लोग उसको एक्सेस करना चाहते हैं, system.out.println obj.data, obj.data को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो कायदे से यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए 40, लेकिन हम लोग इसको क्या बना दिए हैं, प्राइवेट बना दिए। प्राइवेट बनाने से सिर्फ और सिर्फ क्लास ए के अंदर ही एक्सेसिबल हो पाएगा, आउटसाइड द क्लास वो एक्सेसिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा कंपाइल टाइम एरर। देन उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे obj.message को कॉल किया है, मैसेज भी क्या है, प्राइवेट है, तो यहाँ पे भी मिलेगा कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि आउटसाइड द क्लास को एक्सेस नहीं किया जा सकता। भले ही वो क्लास पब्लिक हो लेकिन उसके अंदर के जो मेथड्स है, जो डेटा मेंबर है, वो प्राइवेट है, तो वो आउटसाइड द क्लास को एक्सेसिबल होंगे ही नहीं, कुछ भी कर लो। रोल ऑफ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, इफ यू मेक एनी क्लास कंस्ट्रक्टर प्राइवेट, यू कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग किसी भी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेटली डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग उस क्लास के कहीं पे भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। यहाँ पे क्लास ए हम लोग लिए, ठीक है, उसके अंदर हम लोग इस क्लास ए का हम लोग ने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया और हमने उसको डिक्लेयर कर दिया प्राइवेट।
और एक और हम लोग ने यहाँ पे void message नाम का void message नाम का हमने यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर किया और वहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं हेलो जावा, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक void main यहाँ पे ले रहे हैं और a obj इक्वल टू न्यू a हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने आउटसाइड द क्लास क्या किया, क्लास सिंपल में इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन ये जो यहाँ पे कॉल हो रहा है जो कंस्ट्रक्टर वो एक्चुअल में प्राइवेट है, तो ये ऑब्जेक्ट बनाने ही नहीं देगा, ऑब्जेक्ट बनाने ही नहीं देगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग किसी भी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेटली डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग उसको कहीं पे भी आउटसाइड द क्लास ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग कहीं पे भी नहीं बना सकते, ठीक है। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, ए क्लास कैनॉट बी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सेप्ट नेस्टेड क्लास, ठीक है। किसी भी क्लास को हम लोग प्राइवेट नहीं बना सकते, अगर प्राइवेट बनाओगे तो कहीं पे भी वो एक्सेसिबल नहीं होगा, उस क्लास का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। अगर हम लोग उस क्लास को प्रोटेक्टेड बनाते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड बनाते हैं तो भी वो कहीं पे भी एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, अगर हम लोग उसको प्रोटेक्टेड बनाएंगे तो इनहेरिट भी करने नहीं देगा, ठीक है। अगर हम लोग उसको इनहेरिट कर देते हैं, इनहेरिट तो कर लेंगे लेकिन उसके मेंबर्स वगैरह को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जावा 7 के बाद वो प्रोटेक्टेड अगर हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो वो कंपाइल टाइम एरर ही हम लोग को मिलता है, क्योंकि वो इनहेरिट भी नहीं करने देता है प्रोटेक्टेड अगर हम लोग बना देते हैं तो, ठीक है। एक्सेप्ट नेस्टेड क्लास अगर हम लोग उसके लिए मतलब एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास अगर हम लोग बना रहे हैं लाइक इनर क्लास, तो हम लोग उसको नॉर्मल जैसे जो भी मेंबर्स के लिए हम लोग एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं वैसा ही काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर हम लोग कैसे यूज करते हैं और कंस्ट्रक्टर के लिए भी कैसे यूज करते हैं। डिफॉल्ट मॉडिफायर में हम लोग क्या करते हैं, इफ यू डोंट यूज एनी मॉडिफायर इट इज ट्रीटेड एज डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी मॉडिफायर यूज नहीं कर रहे हैं तो हम लोग का जावा कंपाइलर जो है वो बाय डिफॉल्ट उस क्लास को डिफॉल्ट बना देगा, ठीक है। द डिफॉल्ट मॉडिफायर इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द पैकेज, इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज, इट प्रोवाइड्स मोर एक्सेसिबिलिटी देन प्राइवेट बट इट इज मोर रेस्ट्रिक्टिव देन प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग विद इन द पैकेज अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं तो हम लोग डिफॉल्ट मॉडिफायर का यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन हम लोग को देता है प्राइवेट से लेकिन रेस्ट्रिक्टिव होता है प्रोटेक्टेड से, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है तो इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, पैकेज पैक हमने बनाया है, ठीक है, ये ए डॉट जावा से हमने सेव किया, ठीक है। उसके अंदर ए हमने क्लास बनाया है और उसके अंदर एक हमने void message नाम का एक मेथड क्रिएट किया है और उसके अंदर हेलो प्रिंट कर रहे हैं हम, ठीक है। ये हो गया फाइल ए डॉट जावा। देन इसके बाद यहाँ पे हम लोग बी डॉट जावा के अंदर आते हैं, यहाँ पे पैकेज माई पैक हमने बनाया और इम्पोर्ट किया पैक डॉट एस्ट्रिक, ठीक है। मीन्स इस पैकेज पैक के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी सबके सब इसमें इनहेरिट हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम लोग ने एक क्लास बनाया क्लास बी और इसके अंदर हम लोग ने मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ए ओबीजे इक्वल टू न्यू ए हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा कंपाइल टाइम एरर। मींस जो भी हम लोग ने ये पैकेज क्रिएट किया है तो उस पैकेज के अंदर में हम लोग ने ए क्लास है, ठीक है, ए क्लास जो है सिर्फ और सिर्फ पैक के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, इसके बाहर को एक्सेसिबल नहीं होगा। हमने यहाँ पे कहीं पे भी डिफॉल्ट डिक्लेयर नहीं किया है तो ये क्लास बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट रहेगा। बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, डिफॉल्ट मॉडिफायर उसमें कंपाइलर के थ्रू लग जाएगा और वो
बाय डिफॉल्ट जैसा ही बिहेव करेगा, तो कहीं पे भी हम लोग उसको आउटसाइड द पैकेज यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओबीजे डॉट मैसेज यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, और यहाँ पे भी हम लोग को सेम मिलेगा कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं बना है तो हम लोग उसको कॉल कैसे कर सकते हैं। तो दोनों लाइन में हम लोग को यहाँ पे एरर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इन द अबव एग्जांपल द स्कोप ऑफ क्लास ए एंड इट्स मेथड इज डिफॉल्ट सो इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। हम लोग का जो क्लास ए है और इसके अंदर का जो मेथड है बाय डिफॉल्ट क्या होगा, डिफॉल्ट मॉडिफायर यूज कर रहा है और वो आउटसाइड द पैकेज यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो एक्सेस मॉडिफायर देखा, प्राइवेट और डिफॉल्ट।